नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुलाब के पौधे का विकास नहीं हो रहा है? पत्तियां जल गई हैं, पत्तियां सिकुड़ गई हैं, जो गुलाब के पौधे की ब्रांच हैं ब्रांच भी अचानक से सूख जा रहे हैं, पत्तियां एकदम जली सी हो जा रही हैं, एकदम सिकुड़ी सी, अजीब सी, रेड मकड़ी का अटैक हो गया है, जो कलियां निकल रही हैं वो भी जली जली निकल रही हैं, फूलों का साइज छोटा है, फूल भी जले जैसे दिख रहे हैं। जो भी समस्याएं हैं, आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र लाई हूं जिसके प्रयोग से 100% गारंटी के साथ आपका पौधा सही हो जाएगा और भरपूर फूल देने लगेगा। तो ठंडी स्टार्ट होने वाली है, तो कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो गुलाब के पौधे पर बहुत ज़रूरी होता है कर लेना, और कुछ ज़रूरी खाद होते हैं जो अभी कर लेंगे तो ठंडी स्टार्ट होते होते बम्पर फ्लावरिंग करने लगेगा आपका पौधा, ये गारंटी है, ये तय है। तो चलिए एक पौधा दिखाते हैं। तो देखिए, यह गुलाब का पौधा है और इस पे मैंने वही काम किया था, बहुत कम समय में इस पौधे पर ब्रांच मेरी निकलने लगी और इस पे फूल वगैरह आने लगे। तो इस पे मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, तो हार्ड प्रूनिंग करने के बाद मैंने उस खाद का प्रयोग किया था, उसके बाद मैं इसमें खाद डाली थी और उसके बाद मैंने उस फंगिसाइड पाउडर का छिड़काव किया था, उसके बाद इस पे बम्पर फ्लावरिंग होने लगी। तो आप भी ऐसे फूल पाना चाहते हैं तो आप भी उस काम को ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए बताते हैं कि कौन से काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, ये मेरा ये पौधा है, तो इस पे भी देखिए फूल वगैरह तो प्रॉपर तरीके से आते ही थे, लेकिन पत्तियां देख सकते हैं कि कैसे जली भुनी हुई, अब फूलों का साइज़ भी छोटा है, क्योंकि जो सूखा हुआ फूल है उसी से पता चल जा रहा है कि हाँ इस पे कितने बिग साइज़ के फूल आए होंगे। तो इन सबको ठीक करने के लिए आज मैं कुछ खाद लेकर आई हूँ, जो आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ और अपने प्लांट में डाल के भी दिखाऊंगी। तो उस खाद को डालने से पहले चलिए बता दें कि कुछ ज़रूरी और काम होते हैं जिसको करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस समय आप कर लेते हैं तो हल्की ठंडी जहाँ स्टार्ट हुई तो 100% गारंटी के साथ देखिएगा झोपों में फूल आएंगे, यानी पंचों में फूल आएंगे, भयंकर फूल आएंगे। और मात्र ये गमले में ही आएंगे, आपको ज़मीन में भी वो ज़्यादा वो खींच खींच की ज़रूरत नहीं है, आप गमले से ही अच्छे फूल पा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि गमले में जो भी घास फूस हो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि आप खाद डालने वाले हैं तो घास फूस ये सबसे पहले निकाल देना है, क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेते हैं। तो घास फूस निकाल देना है, उसके बाद क्या करना है, इसको निकालने के बाद अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करना। हार्ड प्रूनिंग का मतलब होता है कि बहुत गहराई से या बहुत ज़्यादा ब्रांच काट देना। तो आज मैं इस कटर की सहायता से अपने देखिए कैसे मैं हार्ड प्रूनिंग करती हूँ। तो आप भी इस समय बिना लालच किए या बिना किसी उसके समझौता के हार्ड प्रूनिंग कर दीजिएगा, लालच ना पालिएगा कि मेरे इतने ब्रांच समाप्त हो गए। अगर आप कर देते हैं तो देखिएगा बम्पर फ्लावरिंग आएगी, अब बहुत कम समय में आएगी। तो अभी मैंने एक बड़े से गमले में दिखाया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में, तो वो बहुत बड़ा पौधा हुआ था गमले में ही, लेकिन मैं बिना लालच पाले एक एक पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दी, जितने मेरे पास पौधे थे सबकी कर दी और एक एक ब्रांच मैंने काट डाली थी। और उसके बाद देखिए ग्रोथ कितनी बढ़ चढ़ के हुई है, मात्र वो 20 दिन का हुआ पौधा और एक महीना होते होते वो देखिएगा पौधा कितना तेज़ बढ़ जाएगा। और उस पर मैंने कलियाँ भी दिखाई थी कि कलियाँ बननी अभी से स्टार्ट हो गई हैं, तो फूल तो देगा लेकिन खूब बड़ा होने में उसको एक महीने का समय लगेगा दोस्तों। तो ऐसे पौधे की कटाई कर दीजिएगा बिना किसी लालच के या बिना किसी कष्ट के दर्द के। तो ऐसे काट देंगे तो उसके बाद देखिएगा न्यू शूट इसी पर निकलेंगे, उसके बाद तब आप खाद वगैरह डालिएगा तो अच्छे से फ़ायदा करेगा, क्योंकि पूरी एनर्जी पूरी ताकत ये पौधा लगा देगा अपने आप को ग्रोथ करने में, क्योंकि ये सब खराब ब्रांच तो है नहीं, सब खराब टहनियाँ वगैरह निकल गई हैं, क्योंकि इन सब का तो कोई काम है नहीं। उसके बाद चलिए तब बताते हैं कि इसके बाद करना क्या है। तब उसके बाद हम मिट्टी की खुदाई करेंगे दोस्तों। मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छे का मतलब होता है इतने अच्छे से करिएगा कि मिट्टी पूरी ढीली हो जाए, ताकि थोड़ा सा मिट्टी ढीली हो जाएगी तो जो भी आप खाद वगैरह डालेंगे तो बहुत अच्छे से सूट करेगा। ऐसे आप पौधों के जो पौधे हैं आप मिट्टी के ऊपर खाद डाल देंगे तो सूट नहीं करता है, वो धीरे धीरे वो गलते हुए जड़ों तक जाता है। और वही चीज़ आप मिट्टी की खुदाई करके खाद डालते हैं तो बहुत अच्छे से पौधे को लगता है दोस्तों, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और एक काम और क्या करना है कि आप तो मिट्टी की खुदाई हो ही रही है, तो अच्छा फूल पाने के लिए और अच्छे विकास के लिए और कौन कौन से काम होते हैं चलिए इसी लगे बता भी देते हैं।
तो आप महीने में दो बार मिट्टी की खुदाई करिएगा, तीन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चार भी हो सकती है, लेकिन मिट्टी की खुदाई कम से कम महीने में दो बार कर ही दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अच्छा फूल पाने के लिए जो भी मतलब फूल वाले पौधे होते हैं उन्हें कम से कम 8 घंटे की सनलाइट चाहिए, क्योंकि सनलाइट मिलती है तभी जाके इस पर फूल वगैरह आते हैं। तो 8 घंटे की सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। और जो गुलाब का पौधा होता है वो हैवी फीडर प्लांट होता है, अगर ज़मीन में लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही अगर गमले में लग जाता है पौधा तो उसको समय समय पर खाद देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आर्गेनिक खाद डालना है तो महीने में दो बार डालिएगा, रासायनिक खाद डालना है तो महीने में एक बार डालिएगा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बात करें मिट्टी की तो मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा, भुरभुरी का मतलब होता है वेल्ड्रेन मिट्टी। वेल्ड्रेन मिट्टी में जड़ें अच्छे से विकास करती हैं दोस्तों, अच्छे से अपनी पूरी जड़ें अच्छे से जब फैलती हैं तभी जाके ऊपर ब्रांच निकलते हैं, न्यू टहनियाँ वगैरह निकलती हैं। तो चलिए खाद बताते हैं। तो खाद देख सकते हैं मैंने ए एप्सम सॉल्ट लिया है और चाय पत्ती लिया है। आज दोनों खाद मैं अपने पौधों में डालूंगी, उसके बाद डालने के बाद उसमें पानी डालूंगी दोस्तों। तो एप्सम सॉल्ट से ये होता है कि पत्तियों का साइज जो होगा सही होगा और फूलों का अच्छे से विकास होगा, जो भी फूल आएंगे बिग साइज के आएंगे। तो एक बार आप एप्सम सॉल्ट को डाल के देखिएगा। और चाय पत्ती में ये होता है कि सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं, जो गुलाब के पौधे के लिए एप्सम सॉल्ट और चाय पत्ती बहुत ही ज़रूरी होता है गुलाब के पौधे में। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं एप्सम सॉल्ट, ये खाने वाला नमक नहीं होता, ये पौधों का नमक होता है। तो इसको आप मंगा के रख लीजिएगा, और जितने गुलाब वाले पौधे हों, गुड़हल का पौधा हो, जो भी हो, उसमें आप एक चम्मच डाल दीजिएगा। फिर देखिएगा कि फूलों का साइज बहुत बढ़ चढ़ के होगा, पत्तियों का कलर सही से आएगा, पत्तियों का साइज सही होगा, फूलों का साइज सही होगा। और जो इसका एक चम्मच आप 2 लीटर में घोल बना के छिड़काव कर देते हैं अगर उसके ऊपर, तो कीड़े मकोड़ों का भी कोई अटैक नहीं होगा, इससे कीड़े मकोड़ों को भी भगाया जा सकता है। और चाय पत्ती मैंने 2 चम्मच लिया है और एप्सम सॉल्ट मैंने 1 चम्मच लिया है, तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि मैंने डाला है दोस्तों। उसके बाद आप क्या करिएगा कि फंगीसाइड पाउडर 1 चम्मच के करीब लीजिएगा, और उसके बाद पानी में घोल के, और उसके बाद तब जाके आप सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दिएगा। तो मैं मिट्टी में भी 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर मिला दे रही हूँ, मिलाने के बाद तब जाके 1 चम्मच और लूँगी, उसके बाद मैं 0.5 लीटर पानी में मिलाऊँगी, और मिलाने के बाद मैं पौधों के ऊपर छिड़काव करूँगी। जो ये गुलाब का पौधा होता है बहुत जल्दी फंगस के अटैक में आ जाता है, तो 1 चम्मच मिट्टी में डालना बहुत ज़रूरी होता है फंगीसाइड पाउडर और पौधों के ऊपर छिड़काव। तो पौधों के ऊपर आप महीने में 4 बार जरूर छिड़काव करिए अगर पौधा स्वस्थ रखना है तो गुलाब का पौधा, क्योंकि जो ये हाइब्रिड गुलाब होता है बहुत जल्दी इसको रेड मकड़ी का अटैक हो जाता है, नहीं तो और दुनिया भर के माइट्स का अटैक हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए आप महीने में 4 बार छिड़काव करिए ही करिए, हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 बार फंगीसाइड पाउडर लीजिएगा 1 चम्मच पाउडर लेकर, और आप 2 लीटर पानी में घोलिएगा, घोलने के बाद अपने पौधों पर छिड़काव कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, जो भी बीमारियां रहेंगी वह भाग जाएंगी, और जो भी पत्तियां निकलेंगी स्वस्थ निकलेगी, पौधे का प्रॉपर तरीके से विकास होगा। तो फंगीसाइड पाउडर गुलाब पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाय पत्ती बहुत ज़रूरी होता है, एप्सम सॉल्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो देख ही सकते हैं कि मैंने क्या क्या किया है दोस्तों। उसके बाद मैं छिड़काव भी कर दे रही हूँ और पानी भी मैंने डाल ही दिया है। तो उसके बाद ऐसे प्रॉपर तरीके से अच्छे से पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा, ताकि एक भी पत्तियाँ बचे नहीं और एक भी ब्रांच बचे नहीं, ताकि जो भी निकले वह स्वस्थ निकले। तो उसके बाद आप नहीं ब्रांच काटना चाहते हैं तो ऐसे भी आप पौधे के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आपको दया आ रही है या लालच लग रहा है, आप नहीं काटना चाह रहे, तो ऐसे ही आप पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा, न्यू न्यू सोर्स निकलने लगेंगे। तो मैंने इस पर 1 हफ्ते पहले छिड़काव किया था, जिसके वजह से देखिए इस पर न्यू निकलने लगे, लेकिन इसकी जो बूढ़ी वाली पत्तियाँ हैं वो देख सकते हैं कि वो सिकुड़ी सी गई हैं, कुछ जली भुनी टाइप की हैं। तो बूढ़ी वाले तो सब खराब है, लेकिन जो मैंने 1 हफ्ते पहले छिड़काव किया था उसमें नहीं निकली हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, और आप अपने हर पौधों में छिड़काव जरूर कर दीजिएगा, हर तरह के पौधों में कर दीजिएगा, चाहे गुड़हल हो चाहे जो भी हो।